Hello students welcome back in hort 211 production technology for vegetable and spices lecture 19 pea cultivation in this lecture i will cover all culture practices related to pea cultivation like soil climate seed rate sowing time harvesting yield insect pest disease and their management let's start this topic पी को हिंदी में मटर कहा जाता है और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर कह लो अलग अलग राज्यों के अंदर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है किसी जगह पे इसे मटर मटर माँ बताना बातानीलू पटानी बतानी नाम से जाना जाता है अब बोटनिकल नेम पाइसम स्टाइवम जो गार्डन पी होता है उसका बोटनिकल नेम पाइसम स्टाइवम होता है फैमिली लेग्योमेसी क्रोमोजोम नंबर गुणसूत्र संख्या टू एंड फोर्टीन मतलब डिप्लोइड क्रोमोजोम नंबर चौदह होते हैं ओरिजन सेंट्रल एशिया जो इसका उत्पत्ति स्थल है वो सेंट्रल एशिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पी इज ए सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप पी एक स्वप्रागित फसल है टॉक्सिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन पी इज ट्रिप्सिन इनहिबिटर पी के अंदर ज मटर के अंदर एक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर है और ये स्वीट पोटैटो जो शकरकंद के अंदर भी पाया जाता है जो पाचन को कॉम्प्लिकेटेड बना देता है ठीक है किसी न किसी इनहिबिटर का सॉरी इस ट्रिप्सिन इनहिबिटर करता क्या है कि ये आ, एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर की तरह यूज होता है कि भाई किसी न किसी जो शरीर के अंदर पोषक तत्व है उसको अनुपलब्ध बना देता है मतलब उसको कम कर देता है बोटनिकल नेम ऑफ फील्ड पी जो फील्ड पी है उसका बोटनिकल नेम पाइसम आर्वेंसी होता है पहले बताया था स्टाइबम गार्डन पी का होता है ये फील्ड पी है पाइसम आर्वेंसी पी कंटेन सेवेंटी ग्राम मॉइस्चर 7.20 ग्राम प्रोटीन 15.80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4.00 ग्राम फाइबर एंड 139 हंड्रेड विटामिन ए पर हंड्रेड ग्राम एडिवल पोर्शन जो मटर है इसके अंदर बहत्तर ग्राम मॉइस्चर पाया जाता है नमी पाई जाती है 7.20 ग्राम प्रोटीन होता है 15.80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट होता है 4.00 ग्राम फाइबर पाया जाता है और एक आईओ विटामिन ए पाया जाता है पर हंड्रेड ग्राम वेट के अनुसार हाइब्रिड वराइटीज़ आर नॉट कॉमन इन पी ड्यू टू लेस नंबर ऑफ सीड्स पर पोड जो मटर है इसके अंदर हाइब्रिड किस्में बहुत ही कम हैं जहाँ बहुत ही कम उपयोग की जाती हैं क्योंकि जो फलियाँ होती हैं उनमें बीज कम बनते हैं हाइब्रिड किस्मों के अंदर टेंड्रोमीटर इज यूज टू मेजर द मैचोरिटी ऑफ पी टेंड्रोमीटर एक उपकरण है जो कि इसकी टेंडरनेस को मटर की मैच्योरिटी को नापने के लिए यूज किया जाता है एरिया एंड प्रोडक्शन जो लेटेस्ट डाटा है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 2018 का उसके अनुसार सबसे ज्यादा जो मटर का क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के अंदर है दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश आता है एक क्षेत्र के अंदर फिर पंजाब का है फिर आसाम हिमाचल प्रदेश वेस्ट बंगाल और बहुत सी स्टेट के अंदर इसकी कल्टीवेशन होती है तो उनके अंदर भी क्षेत्र है तो सबसे ज़्यादा जो उत्तर प्रदेश के अंदर है टू हंड्रेड हेक्टर एरिया और प्रोडक्शन टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड पॉइंट थ्री एट थाउजेंड मैट्रिक टन प्रोडक्शन मध्य प्रदेश के अंदर नाइंटी फोर थाउजेंड हेक्टर एरिया एंड नाइन थाउजेंड मैट्रिक टन प्रोडक्शन पंजाब के अंदर थर्टी सेवन थाउजेंड हेक्टर एरिया थ्री हंड्रेड फोर पॉइंट जीरो जीरो थाउजेंड मैट्रिक टन प्रोडक्शन ऐसे ही दूसरे स्टेट्स के अंदर भी है इसके बाद जो इसका टोटल एरिया है इंडिया के अंदर कल्टीवेटेड एरिया फाइव हंड्रेड फोर्टी पॉइंट फोर एट हेक्टर है और प्रोडक्शन फाइव थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी टू पॉइंट वन फोर थाउजेंड टन है पाँच सौ चालीस पॉइंट चार आठ हजार हेक्टर एरिया और पांच हजार चार सौ बाईस पॉइंट एक चार हजार मैट्रिक टन प्रोडक्शन वराइटीज पहली है इंट्रोडक्शन से जिनको एज टू एज बाहर से लाके बोया गया जैसे बोनेबिली ये स्टेबल फॉर डिहाइड्रेशन जो डिहाइड्रेशन किया जाता है प्रोसेसिंग की जाती है मटर की तो उसके लिए डिहाइड्रेशन मतलब सूखा मटर बनाते हैं तो उसके लिए सुटेबल किस्म है बोने इसके अलावा है सालविया इसकी जो पोड्स होती हैं वो भी एडिबल होती हैं मतलब अपने तो मटर के दाने खाते हैं परंतु इसमें जो फलियाँ होती हैं वो भी खाने लायक होती हैं छिलके भी उसके अर्ली बैगर इसके अलावा अरकेल है ये इंग्लैंड से इंट्रोड्यूस्ड है इसके अलावा लिटिल मार्बल परफेक्शन न्यू लाइन लिंकॉन अर्ली सुपर मेटर इसके अलावा सिलेक्शन जिनका चुनाव किया गया है उसमें अजीत रेजिस्टेंट टू पाउडरी मिल्ड्यू एंड रस्ट दोनों से प्रतिरोधी किस्म है पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट से अजीत इसके अलावा है पालम प्रिया ये भी पाउडरी मिल्ड्यू से रेजिस्टेंट किस्म है इसके अलावा असाउजी पंत उपकार पंत उपहार हर भजन एक्सट्रीमली अर्ली जो हर भजन है ये बहुत ही अगेती फसल है मतलब अगेती किस्म है इसके अलावा अदर वराइटीज़ मीठी फली इसमें भी फली खाने लायक होती है साथ में फली को खाया जा सकता है इसके अलावा जे पी नाइनटीन पोर्ट्स आल्सो एडिबल इसमें भी फलियों को खाया जा सकता है यू एन फिफ्टी थ्री ये भी एडिबल पोर्ट्स होती हैं इसमें भी इसके अलावा जवाहर मटर वन ये मिड सीज़न के समय है जो एक तो अगेती फिर मध्य जो सही टाइम है उसके अलावा एक लेट पछेती थी, ठीक है तो मिड सीज़न के समय ये टी नाइन्टीन इंटू ग्रेटर प्रोग्रेस का क्रॉस है इसके अलावा जवाहर मटर टू ये भी मिड सीज़न है ग्रेटर प्रोग्रेस इंटू रशियन टू का क्रॉस है इसके अलावा जवाहर मटर थ्री टी नाइनटीन इंटू अर्ली बैगर का क्रॉस है इसके अलावा जवाहर मटर फॉर टी नाइनटी इंटू लिटल का क्रॉस है पी एम टू ये अर्ली बेगर इंटू आई पी थ्री का क्रॉस है और ससेप्टिबल टू पाउडरी मिल्ड्यू मतलब पाउडरी मिल्ड्यू के प्रति बहुत ही संवेदनशील फसल है इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहती है ठीक है पी एम टू के अंदर ये कुछ हाइब्रिड किस्में हैं वैसे इसकी जो क्रॉस या संकर से तैयार की हुई है इसके अलावा हिसार हरित इसे पी एच वन के नाम से भी जाना जाता है ये अर्ली वैरायटी है अगेती है इसके अलावा पंत सब्जी मटर थ्री अर्केल इनटू अर्ली बैडगर का क्रॉस है ये पंत नगर यूनिवर्सिटी से निकली हुई है इसके अलावा पंजाब एटी सेवन पंजाब सिक्सटी सिक्स पंजाब एट पंजाब एटी एट भी है नैरो फैट थॉमसन लैक्सटॉन्स टेलीफोन ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट किस्में हैं क्लाइमेट पी इज़ कूल सीजन क्रॉप एंड कल्टिवेटेड टेम्परेट एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज वैसे तो जो मटर है सभी क्षेत्रों में कल्टिवेटेड होता है टेम्परेट जो शीतोषण वाले होते हैं जो उपोषण कटिबंधीय क्षेत्र है उन सभी में कल्टिवेटेड होता है वैसे ठंडे मौसम की फसल है पी सेंसिटिव टू हाई टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तीस डिग्री से ऊपर चला जाता है तो फसल के लिए हानिकारक है इसको सहन नहीं कर सकता डिग्री तो एटीन डिग्री तो हाँ रेल। दस से अठारह डिग्री इसकी कल्टीवेशन के लिए उत्तम तापमान है परंतु कई कई किताबों के अंदर ट्वेल्व टू ट्वेंटी डिग्री भी लिखा हुआ है तो मतलब ठंडा बीस डिग्री से नीचे का तापमान और दस से ऊपर का तापमान इसकी कल्टिवेशन के लिए उत्तम रहता है इट इज़ बैडली इफेक्टेड एट फ्लोवरिंग और इमेच्योर पोर्ट स्टेज बाय फॉरेस्ट अगर जब ये फ्लोवरिंग पे होता है और फलियाँ कच्ची फलियाँ बनी हुई होती हैं उस टाइम अगर पाला पड़ता है तो इसकी फसल के लिए हानिकारक है सोयल पी कैन बी कल्टिवेटेड इन ऑल टाइप ऑफ सॉयल फ्रॉम लाइट सैंडी टू हैवी क्ले सोयल जो पी की कल्टिवेशन है मटर की कल्टिवेशन है ये सभी प्रकार की मिट्टी में हल्की मिट्टी से लेकर भारी मिट्टी तक कल्टीवेट होता है परंतु वेल ड्रेन लूज सैंडी लोम सॉइल इज बेस्ट टू गेट ए हाईल्ड अगर अधिक ऊपर प्राप्त करनी है तो इसके लिए अच्छे जल निकास वाली ढीली और जो बलुई दोमट मिट्टी होती है इसकी कल्टीवेशन के लिए उत्तम रहती है द पी एच रेंज फॉर पी इज बिटवीन फाइव पॉइंट फाइव टू सिक्स पॉइंट फाइव जो पी एच रेंज होती है वो इसकी कल्टिवेशन के फाइव पॉइंट फाइव से सिक्स पॉइंट फाइव के बीच में होनी चाहिए मिट्टी की नेक्स्ट है सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट सीड रेट और जो होती है वो ज़्यादातर इसके मौसम के ऊपर डिपेंड करती है जहाँ कह लो कि सीज़न के ऊपर डिपेंड करती है अगेती किस्मों की अलग होती है पशेती किस्मों के लिए अलग रहती है अगेती किस्मों के लिए थोड़ी ज़्यादा रखी जाती है द सीड रेट ऑफ अर्ली वराइटीज़ अबाउट 100 टू 120 ट्वेंटी पर हेक्टर जो अगेती किस्में होती हैं उनके लिए सौ से एक सौ और जहाँ लेट वैरायटी और मिड सीजन की किस्में होती हैं मध्य वाली और पछेती किस्में वहाँ पे 80 से 90 किलो बीज पर हेक्टर पर्याप्त रहता है बिफोर सोविंग सीड्स आर ट्रीटेड विद कैप्टान और थायरम एट द रेट टू ग्राम के पर के जी सीड एंड आल्सो विद राइजोमियम कल्चर बुआई से पहले बीजों को थायरम या कैप्टान से फफूंदी नाशक, नाशक से उपचारित करके बोना चाहिए और साथ में ये एक लैग्यूमिनस फसल है इसलिए इसे राइजोवियम कल्चर से भी उपचारित किया जाना चाहिए सोइंग टाइम इन प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया sowing ऑफ सीड इज डन फॉर अर्ली क्रॉप सितंबर टू अक्टूबर जो मैदानी क्षेत्र है उत्तरी भारत के वहाँ पे इसकी जो अगेती फसल ली जाती है वो सितंबर से अक्टूबर के अंदर और जो मेन क्रॉप है उसका टाइम फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर टू सेकेंड वीक ऑफ नवंबर, अक्टूबर का पहला सप्ताह से लेके दूसरे सप्ताह नवंबर के दूसरे सप्ताह तक इसकी कल्टीवेशन या इसकी बुआई की जाती है जो इसका मेन सीजन है ठीक है अगर अगेती लेनी है तो सितंबर के अंदर ही इसकी सोइंग स्टार्ट कर देते हैं इन हिल्स द सोइंग इज डन फ्रॉम मार्च टू मई और पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर इसकी जो बुआई की जाती है वो मार्च से मई के अंदर क्योंकि उससे पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा तापमान होता है जहाँ कह लो कि बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है ठीक तो मार्च से मई के अंदर वहाँ का तापमान इसकी कल्टीवेशन के लिए सुटेबल हो जाता है तब इसकी कल, इसको बुआई की जाती है फील्ड परिप्रेशन द फील्ड शुड बी प्लॉड वंस विद सोयल टर्निंग प्लॉ एंड आफ्टर थ्री टू फोर टाइम विद देसी प्लॉ और कल्टीवेटेड टू मेक द सोयल बेटर पहले एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए उसके बाद तीन से चार बार देशी प्लाव या कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को बुरभुरा अच्छा बना लेना चाहिए सोइंग जनरली द पी इज सोन ऑन राइस बेड 120 ट्वेंटी टू वन सेंटीमीटर वाइड विद फॉर बिटवीन दैम टू फॉर इरीगेशन इसकी जो बुआई की जाती है इसके लिए उठी हुई क्यारिया बनाई जाती हैं लगभग 120 से 150 सेंटीमीटर चौड़ी और उसकी क्यारी के दोनों साइड नालियाँ बनाई जाती हैं कि पौधों को सिंचाई की जा सके और बीजों को उसकी जो एज होती है जो क्यारी बनी है उसके जो किनारे रहते हैं वहां पे बीजों को बोया जाता है प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग इज कीप्ड अबाउट टू पॉइंट फाइव तो टू थ्री पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर जो पौधे से पौधे की दूरी लगभग रखी जाती है वो दो पॉइंट पाँच यानी कि ढाई से पौने चार सेंटीमीटर तक रखी जाती है इरिगेट क्रॉप इमीडिएटली आफ्टर सोविंग और बुआई के तुरंत बाद बीज जैसे ही बो दिए उसके तुरंत बाद सिंचाई करनी चाहिए मैन्योर एंड फर्टिलाइजर एट द टाइम ऑफ लास्ट प्लॉइंग अबाउट ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव टन ऑफ एफ वाई एम इज मिक्सड विद सोयल और जैसे ही लास्ट जुताई कर रहे होते हैं खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम 20 से 25 टन गोबर की सड़ी हुई अच्छी गोबर की सड़ी हुई गाद मिलानी चाहिए खेत के अंदर पी इज ए लेगुमिनस क्रॉप इट हैज़ रूट नोड्यूल्स इन विच एटमोस्पियर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया लीव जैसे कि मटर एक लेगुमिनस क्रॉप है तो इसकी जड़ों में गांठों में बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन जो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन होती है वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्सेशन करता है उस इसके लिए इसे नाइट्रोजन की कम ज़रूरत होती है द रिकमेंडेड डोज ऑफ नाइट्रोजन ट्वेंटी के जी पर हेक्टर फास्फोरस फोर्टी के जी पर हेक्टर एंड पोटाश फोर्टी के जी पर हेक्टर जो इसके लिए रिकमेंडेड डोज है नाइट्रोजन की फास्फोरस की और पोटाश की वो ट्वेंटी 40, फोर्टी के जी पर हेक्टर है ए फुल डोज ऑफ आल फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग और जो भी फर्टिलाइजर जितने भी हैं नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटाश इनकी सभी की पूरी की पूरी मात्रा जो जब बुआई कर रहे होते हैं उसी टाइम खेत के अंदर डाल दी जाती है सिंचाई इरिगेशन, द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ पी इज वेरी लो जो पानी की आवश्यकता होती है मटर की बहुत ही कम होती है अगर इसे ज़्यादा सिंचाई की जाती है तो पौधा पीला पड़ने लग जाता है इसलिए इसे दो से तीन सिंचाई की ही आवश्यकता होती है ओनली इन ड्राई वेदर इरीगेट क्रॉप एट वीकली इंटरवल अदरवाइज इट इरीगेट टेन टू फिफ्टीन डेज इंटरवल अगर थोड़ी ये कह लो कि सूखा मौसम है ज़्यादा ही शुष्क मौसम है तो उस टाइम सिंचाई वीकली इंटरवल पे, मतलब साप्ताहिक अंतराल पे की जाती है अन्यथा इसे 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की आवश्यकता होती है

पूरे न्यूट्रेंट को ले सके और अच्छी बढ़वार कर सके बिसाइड्स दैट प्री सोविंग एप्लीकेशन ऑफ टू टू थ्री लीटर पर हेक्टर बैसालीन और स्टाम्प और ब्यूटाक्लोर कंट्रोल मोस्ट ऑफ द बीड्स प्री सोविंग मतलब बुआई से पूरा दो से तीन लीटर पर हेक्टर अगर बैसालीन या स्टाम्प या ब्यूटाक्लोर इनमें से कोई भी शाकनाशी हर्बिसाइड का उपयोग किया जाता है तो लगभग लगभग सारे बीड को ये ख़त्म कर देते हैं

पिकिंग ऑफ पोड इज डन बाई हैंड एट सेवन टू टेन डेज इंटरवल जो इसमें फलियों को तोड़ा जाता है वो सात से दस दिनों के अंतराल पर तोड़ा जाता है पी आर हार्वेस्टेड वेन दंग टेंडर पोड आर फिल वेल फिल्ड विद द टेंडर सीड्स जो मटर है इसकी तोड़ाई उस टाइम की जाती है जब फलियाँ कोमल होती हैं और उनमें कोमल बीजों से भरी हुई होती हैं एट द टाइम पोड कलर ऑल्सो चेंज फ्रॉम डार्क ग्रीन टू लाइट ग्रीन और इस समय फली का रंग भी चेंज हो जाता है पहले वो बहुत ज़्यादा गहरी लो हरे रंग की होती है और बाद में वो लाइट या हल्के कलर की हो जाती है ईल्ड द ईल्ड ऑफ ग्रीन पोर्ट फ्रॉम अर्ली वराइटीज़ अराउंड थर्टी टू फोर्टी क्विंटल पर हेक्टर जो अगेती किस्में होती हैं उनसे लगभग तीस से चालीस क्विंटल पर हेक्टर उपज मिल जाती है एंड फ्रॉम मिड एंड लेट वराइटीज़ इट इज़ टू पर और जो मध्यम या पछेती किस्में होती है उनसे लगभग साठ से सौ क्विंटल तक उपज मिल जाती है इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट इनपी फर्स्ट है डिजीज फर्स्ट डिजीज है इसके अंदर एंथ्रेकनोज कोलेटोट्राइकम लिंडेमथेनम मैंने पहले भी ये उसके अंदर बताई थी आपको आ, फ्रेंच बीन के अंदर क्योंकि ये लेगुमिनस क्रोप की एक प्रमुख बीमारी है इसमें होता क्या है जो फलियाँ जो पत्ते होते हैं जहाँ उनकी पत्तियों की शरायें होती हैं वहाँ पे रेडिश कलर के धब्बे बनना स्टार्ट हो जाते हैं दोनों साइड ऊपर और नीचे और जो तना होता है वहाँ पे ओवल कह लो ज अंडाकार घाव बनने स्टार्ट हो जाते हैं और अंदर से वो कैंक्रस होते हैं जो सेंटर से कैंक्रस होते हैं बाद में जो पत्तियों वाले धब्बे होते हैं वो बढ़ने लग जाते हैं आकार में बड़े होने लग जाते हैं और उसके ऊपर ब्लैक कलर की वैली, ये कह लो डार्क कलर की वैली की ग्रोथ दिखाई देती है उस धब्बे के अंदर जो पत्तियों के अंदर बने हुए होते हैं और डंप कंडीशन के अंदर कह लो जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी बनी रहती है उस कंडीशन के अंदर वहाँ से पिंक किश कलर के स्पोर की उजिंग दिखाई देती है मतलब वहाँ से बाहर निकलते हुए स्त्रावित होते हुए दिखाई देते हैं कंट्रोल है यूज़ हेल्दी सीड्स हेल्दी बीजों का या स्वस्थ बीजों का उपयोग करना चाहिए बुआई के लिए फॉलो क्लीन कल्टिवेशन जो स्वच्छ खेती करनी चाहिए वीड फ्री अवॉइड ओवर हेड इरीगेशन जो फुवारा विधि है जहाँ जिस जो भी विधि ऊपर से पानी दिया जाता है पौधे के ऊपर सीधा पत्तियों पे पड़ता है ऐसी सिंचाई को नहीं करनी चाहिए इसके अंदर सीड शुड बी ट्रीटेड विथ कैप्टान और थायरम टू ग्राम पर के जी सीड बिफोर सोइंग बीजों को किसी भी फंजी से थाइरम या कैप्टान दो ग्राम से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए टू तो कंट्रोल डिजीज स्प्रे विद कॉपर फंजीसाइड्स लाइक डाइथेन जेड सेवनटी एट बैनालीट इस कॉपर uh, फंजीसाइड का स्प्रे भी किया जा सकता है अगर बीमारी दिखाई देती है फील्ड के अंदर जैसे डाइथेन जेड सेवनटी एट है बैनालीट है इनका स्प्रे किया जा सकता है नेक्स्ट इसके अंदर जो डिजीज़ है पाउडरी मिल्डूरीफे पोलिगोनी के कारण होती है ग्रोथ ऑफ वाइट पाउडर्स was observed on the leaves, stem and other parts of the plant. When there is more outbreak, the entire plant dries up. इसमें होता क्या है पत्तियों के ऊपर वाइट कलर का चूरन कैलो जहाँ वाइट कलर का पाउडर दिखाई देता है पत्तियाँ व्हाइट वाइट कलर की हो जाती हैं ऊपर से और पूरे पौधे पे भी ये शो होता है जैसा कि आपको पिक्चर में शो हो रहा होगा इसका जो कंट्रोल है सल्फर डस्ट या कैराथेन को अप्लाई करना चाहिए पौधे के ऊपर डालनी चाहिए थर्ड इसमें डिजीज है बिल्ट फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम पी के कारण होती है इसकी सब पीसी है पीसी और इसके जो इनिशियल सिम्टम्स आर सीन ऑन लीव्स दे टर्न येलोइश एंड हैंग डाउन जो इसके शुरुआती लक्षण है इसमें क्या होता है कि पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और नीचे की तरफ लटक जाती हैं ड्यू टू दिस द प्लांट ग्रोथ स्टॉप इसके कारण जो पौधे की वृद्धि होती है वो रुक जाती है अगर इसकी जड़ को निका खोद के देखा जाए पौधे की जड़ को निकाला जाए जड़ से तो उसमें आपको डार्क ब्लैक कलर की जड़ दिखाई देगी काली हो चुकी होती है जड़ ठीक कंट्रोल बिफोर sowing सीड्स आर ट्रीटेड विद थाइराम और कार्बेडाइजाइन एट द रेट टू ग्राम पर के सीड सोइंग से पहले बीजों को उपचारित करके बोना चाहिए दूसरा है फॉलो रोटेशन, फसल चक्कर को अपनाना चाहिए तीसरा है फील्ड फ्री, जो भी खेत है उसे खरपतवार मुक्त रखना चाहिए फोर्थ इसमें जो डिजीज है बैक्टीरियल ब्लाइट सीडोमोनास सिरंजी, सिरंजी के कारण होती है पीवीसी पीसी इसकी सब स्पीसीज है

बाद में क्या होता है कि ये डब्बे ब्राउन कलर के हो जाते हैं किनारों से और अंदर की तरफ से भी जो सेंटर होता है वहाँ से भी ये हल्के हल्के ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं द टेंडर पोर्ड आर चॉकलेट ब्राउन जो फलियाँ होती हैं नाजुक फलियाँ होती हैं वो चॉकलेट रंग की हो जाती हैं चॉकलेट कलर की हो जाती हैं पतली हो जाती हैं ट्विस्टेड हो जाती हैं मुड़ जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं लेसन आर एन लार्जर ऑन ओल्डर पोर्ड्स और जो पुरानी पोर्ट्स होती हैं फलियाँ होती हैं उन पे ये लेस जो डब्बे होते हैं ये बड़े हो जाते हैं ड्राइड बैक्टीरिया ऊज मेक्स द पोर्ट सरफेस ग्लोसी और पत्तियों जो फलियाँ होती हैं उनके ऊपर एक बैक्टीरिया की ओज ये कह लो कि एक उसकी स्त्राव कह लो उस फली को एक ग्लोसी जैसा बना देता है ग्लोसी मतलब जैसे चमकदार बना देता है कंट्रोल है फॉलो रोटेशन, फसल चक्कर को अपनाना चाहिए यूज हेल्दी सीड्स स्वस्थ बीजों को उपयोग करना चाहिए फॉलो क्लीन कल्टीवेशन, जो खेत में खरपतवार मुक्त रखना चाहिए कीप्ड रिकमेंडेड प्लांट स्पेसिंग मतलब प्लांट स्पेसिंग ज्यादा रखनी चाहिए मतलब प्लांट से प्लांट की स्पेसिंग ज्यादा रखनी चाहिए अगर ज़्यादा डैम्प कंडीशन रहती है तो इस बीमारी का ज़्यादा प्रकोप रहता है क्योंकि नमी ज़्यादा बनी रहती है बिफोर सोइंग सीड्स आर ट्रीटेड विथ स्टेप्टोसाइक्लिन बुआई से पूरा बीजों को स्टेप्टोसाइक्लिन uh, 2.50 पॉइंट सॉरी 250 सौ पचास से दो घंटे तक उपचारित करना चाहिए बुआई से पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ठीक है उससे उपचारित करना चाहिए इसके अलावा स्प्रे स्टेप्टोसाइक्लिन 100 पी एट सेवन डेज इंटरवल इसके अलावा स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का 100 पीपीएम का सात दिनों के अंतराल पर स्प्रे करना भी लाभदायक रहता है फिर है नेक्स्ट पेस्ट मैनेजमेंट फर्स्ट है पोर्ट बोरर बहुत ही कॉमन इसका इंसेक्ट है पोर्ट बोरर इज मेजर पेस्ट ऑफ पी लार्वी ऑफ दिस इंसेक्ट इट सरफेस ऑफ द पोर्ट जो इसका लार्वा होता है वो फलियों को छेद कर उसके अंदर घुस जाता है और दानों को अंदर से खा जाता है कंट्रोल है स्प्रे एंडोसल्फान 35 ईसी जीरो पॉइंट टू परसेंट टू कंट्रोल द इंसेक्ट जीरो पॉइंट टू परसेंट है ठीक है इसका कंट्रोल के लिए एंडोसल्फान का स्प्रे किया जाता है सेकंड है एम्पोस का टेबई दिस पेस्ट शो स्पेसिफिक सिम्टम्स लाइक हॉपर बर्न ऑन द क्रॉप इन द फैटल अटैक ऑफ द इंसेक्ट द मार्जिन ऑफ द लीव्स बिकम येलो एंड द लीवस बिकम बेबी इसका जो सिम्टम्स होते हैं हॉपर वर्न जैसे होते हैं जैसे ये पत्ती को खाता है तो जो पत्ती के मार्जिनस होते हैं किनारे होते हैं वो ये कह लो कि येलो कलर के हो जाते हैं और पत्ती लहरदार हो जाती है कंट्रोल है स्प्रे क्रॉप विथ फोस्फोमिडोन और ऑक्सी मिथाइल डेमेटोन जीरो पॉइंट फाइव परसेंट इसका कंट्रोल है फॉस्फोमिडोन या ऑक्सीमिथाइल डेमेडोन का जीरो पॉइंट फाइव परसेंट का स्प्रे करना चाहिए इसका लास्ट इंसेक्ट है एफिड एफिस क्रेसिओवोरा। एफिड्स होता है ये क्या करता है कि पौधे के जो भी कोमल भाग होते हैं वहाँ से ये रस चूसता है ठीक है इसके बाद पत्तियाँ जो होती हैं कर्लिंग स्टार्ट हो जाती है पत्तियाँ मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं ट्विस्टिंग होने लग जाती हैं ट्विक्स के अंदर जो ऊपर वाले इसके शीर्ष होते हैं वो भी घूमना स्टार्ट हो जाते हैं मुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं इसके अलावा सम टाइम द फॉलिंग ऑफ फ्लोवर्स जो फूल लगे होते हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाते हैं कंट्रोल है टू कंट्रोल एफिड स्प्रे द फॉस्फामीड ऑन जीरो पॉइंट फाइव परसेंट ऑन द क्रॉप इसके कंट्रोल के लिए फॉस्फोमी डॉन जीरो पॉइंट फाइव परसेंट का स्प्रे करना चाहिए थैंक यू